ऐसे बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की, धनी धर्मदास साहेब की। सतनाम साहेब, बंदगी साहेब। सतगुरु कबीर साहेब के जीवन शैली की जानकारी किसी भी सदग्रंथ से यथार्थ प्राप्त नहीं है। इसका यही कारण है कि संसारी जीव सतगुरु कबीर साहेब के चरित्र व जीवन जानकारी से पूर्ण जानकारी ना होने के कारण से सतगुरु कबीर साहेब के बारे में कुछ साहित्यकारों के द्वारा भ्रांतिपूर्ण बातें गढ़ी गई, जबकि सारा जन समुदाय यानी कबीर पंथ सतगुरु कबीर साहेब को सतगुरु सत स्वरूप के रूप में स्वीकार करता है और उनके एक नहीं अनेकों सतग्रंथों से भी उनके त्याग पूर्ण वीतरागी जीवन का परिचय प्राप्त होता है। जैसे तीन पांच जाबा नहीं, नहीं प्रकृति प्रवेश, रवि शशि पानी पवन नहीं, तहां का कहो संदेह इत्यादि। जय जय सत कबीर गुरु, जय सत सुकृत नाम, जय करुणामय सदगुरु, जय मुनिन्द्र मुनि नाम। उदित नाम की शरण से सारे भ्रम मिट जाएं, जय मुकुंद मणि बोल कर जन्म मरण छुट जाएं। नहीं विद्या नहीं बुद्धि बल नहीं उर ज्ञान न ध्यान, लक्ष्मण साहेब सदगुरु रहत निरंतर ध्यान। हे साहेब सुध लीजियो मोय सुध रहे कि नाय, हमसे करनी बहुत है गुर तुमसे दाता नाय। तो कक्का केवल ब्रह्म है बब्बा बीज शरीर, अरुरर्रा सब में रम रहा और ताका नाम कबीर। पानी से पैदा नहीं श्वासा नहीं शरीर, अन्नहार करते नहीं तिनका नाम कबीर। प्रेम से बोलिए विश्व वंदनीय सतगुरु कबीर साहेब की जय हो। आदरणीय उपस्थित श्रोतागण, सीता अनसुईया सावित्री आमिन माता जैसी पवित्र भूमि पर पलने वाली एवं मेरी माताएं बहनें, हम आपके समक्ष बड़ा ही ये प्रसंग प्यारा है। ये सदगुरु कबीर साहब का गुरुदीक्षा प्रसंग है। आप लोग शांति का दान देते हुए और इस कथा का रसापान करें। सदगुरु कबीर के चरित्र को गाऊं बुद्धि अनुसार, होई कहीं त्रुटि माफ कर छाट लीजिए सार, छाट लीजिए सार। कथा को सभा मत दर्शाऊं और रामानंद संवाद कबीर की अनुपम कथा सुनाऊं। लक्ष्मण साहेब से ली दीक्षा बतलाऊं, और श्री महंत लक्ष्मण साहेब से ली दीक्षा बतलाऊं, और करूं वंदना सत्य पुरुष की तन मन धन चितलाऊं। कथा मित्र आंगे को बढ़ रही है, मेरी धीरे धीरे कथा मित्र आंगे को बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है भैया आंगे को बढ़ रही है, रे दादा आंगे को बढ़ रही है, मेरी धीरे धीरे कथा की बढ़े। ऐसे सदगुरु कबीर साहब का, ऐसे दयाल पुरुष हैं साहेब। इस धराधाम पर सदगुरु कबीर साहब जब आए, साहेब ने तो युगों युगों में जीवों को चेताया है।
लोग ऐसे दयाल पुरुष हैं। अरे सबा मेरी में आइयो हाँ, सबा मेरी में आइयो हाँ, आई के राज बचाइयो हाँ। तुलसीदास पुकारे हाँ, बाज मेरी सभा में राखो हाँ। भेष की टेका निभाइयो ममौर बसिले बुद्ध सभा में अगमो गम समुदयो ममौर बसिले याद रहे मेरे नौजवान साथियों, मेरी मां और बहनों, आज सदगुरु कबीर साहब ऐसे दयाल पुरुष धराधाम पर प्रकट हुए और जीवों को चेताया। लोगों, रामानंद स्वामी याद रहे बहुत बड़े आडंबरी थे, ब्राह्मण जाति के थे और जाति पाति का बहुत गर्व था, बहुत गर्व था। लोगों, बैसरम संप्रदा के स्वामी रामानंद संत कहते थे, बैसरम संप्रदा के स्वामी रामानंद संत कहते थे, सिर्फ उच्च वर्ण के लोगों को ही अपना शीश बनाते थे। और जाति पाति पे बहुत उनका गर्व था। लोगों, यहां तक याद रहे, लेकिन नियम के बहुत पक्के थे, नियम के बहुत पक्के थे, लेकिन था नियमयत, लेकिन था नियमय टूटन मानो झूठ सुनो सरदारी। अरे मूर्ति पूजा ठाकुर जी पे था उन्हें भरोसा भारी, अरे भरोसा भारी, भरोसा भारी, भरोसा भारी, भरोसा भारी, मूरत पूजा ठाकुर जी पे था उन्हें भरोसा भारी। स्वामी ने बनाया ने महर्दे से प्रेम कराए अति भारी, ठाकुर जी की पूजा में ही तन मन धन जीवन बारी, ठाकुर जी की पूजा में ही तन मन धन जीवन बारी। यहां तक लोगों ये हाल था और यही संसार में हो रहा है। कोई कोई अटके तीरथ व्रत में, कोई अटके पूजा पाठ, अब कोई जीव तरुआ से मारे भैया कोई घुमाए रहे काठ।
संत की पूजा ना कहूं बता रहे तुलसीदास साये बनाए संत की पूजा ना कहूं बता रहे तुलसीदास भैया कर ले साहेब को भजन यहाँ दो दिन को मेला है भैया कर ले साहेब को भजन यहाँ दो दिन को मेला है दो दिन का मेला है यहाँ दो दिन का मेला है भैया कर ले साहेब को भजन यहाँ दो दिन को मेला है पूजा अर्चना को बड़े ध्यान से लगन से करते हैं और उनके अंदर ये हालत थी योगासन कर प्राणायाम और स्वामी तन खूब तपाते और तीर्थ व्रत भी करें रोज गंगा भी खूब नहाते तीर्थ व्रत भी करें रोज गंगा भी खूब नहाते और योगासन कर प्रणाम स्वामी तन खूब तपाते और तीरथ व्रत भी करें रोज गंगा भी खूब नहाते तीरथ व्रत भी करें रोज गंगा भी खूब नहाते सत पूजा कर धूप दीप रामानंद रोज जलाते सत पूजा कर धूप दीप रामानंद रोज जलाते तीर्थ व्रत भी करें रोज गंगा भी खूब नहाते बहुत लगन से श्रद्धा भाव के साथ लगन से अपनी पूजा करते हैं रामानंद स्वामी सठ पूजा कर धूप दीप रामानंद रोज जलाते और तीर्थ व्रत भी करें रोज गंगा भी खूब नहाते बहुत गंगा की रोज प्रतिदिन स्नान करते हैं लेकिन मान पढ़ाई में स्वामी मदमाते हैं और हीन जाति के लोगों को नहीं शिष्य बनाते हैं जाति के लोगों को नहीं शुद्ध इन जाति के लोगों को नहीं शिष्य बनाते हैं अरे शूद्र से न बातें करते हैं अरे शूद्र से न बातें करते हैं और शिष्य बनाना बड़ी बात नहीं दर्शन करते हैं नियम को खूब निभाते हैं अरे नियम को खूब निहाते हैं और पड़े चात स्नान तुरंत से देह बनाते हैं इसी प्रकार से आज लेकिन मान बढ़ाई में स्वामी मदमाते हैं और हीन जाति के लोगों को नहीं शिष्य बनाते हैं जो लोग छोटी जाति के थे रामानंद स्वामी उनको ना किसी को अपनी गुरु दीक्षा नहीं देते थे ऐसा उनके अंदर इतना बड़ा भेदभाव था सदगुरु कबीर साहब ने सोचा लोगों सदगुरु किया विचार प्रथम स्वामी को ही समझाऊं धूल पक्ष हत जिसका बोझा सिर से जाई हटाऊं और भूल पक्ष हट जिद का बोझा सिर से जाई हटाऊं तू मदमान छुड़ाई ज्ञान बा उनको सत लखाऊं और सत या सत लखा कर रामानंद को लोक पठाऊं सत या सत लखा कर रामानंद को लोक पठाऊं
साहेब सत कबीर खबर गुर मेरी ले लीजो, ओरे साहेब सत कबीर खबर गुर मेरी ले लीजो, अरे मेरी ले लीजो खबरिया मेरी ले लीजो, ओरे साहेब सत कबीर की बेड़े। सदगुरु किया विचार प्रथम स्वामी को ही समझाऊं और सत्य असत्य लिखाकर रामानंद को लोक पठाऊं, क्योंकि रामानंद स्वामी जात पाति में इतना भेदभाव में डूबे हुए हैं। आहा, अरे सदगुरु लो विचार बनाई, सदगुरु लो विचार बनाई, मर्यादा स्वामी की भाई बनकर शिष्य तोड़ दूंगाई, ले नारायण बनकर शिष्य तोड़ देऊ जाई, ले रामानंद गुरु बनाई, साहेब सत कबीर तुम्हारी मेहमान यारी है, ओ मेरे साहेब सत कबीर तुम्हारी मेहमान यारी है, मेहमान यारी है साहेब मेहमान यारी है, ओ मेरे लक्ष्मण सतगुरु साहेब तुम्हारी मेहमान यारी है, अब तो सतगुरु कबीर साहब मुस्कुरा के कहने लगे रामानंद स्वामी के अंदर तो बड़ा ही भेदभाव छुपा हुआ है। आहा, इनको चलो ठीक है। और सदगुरु कबीर साहब ने यह भी सोचा कि या कबीर बिचारी अगर नहीं गुरु बनाते हैं, ठहर जा रे, या कबीर बिचारी अगर नहीं गुरु बनाते हैं, और कोई भी नहीं सुने ज्ञान जो सत्य सुनाते हैं, अरे मिटे गुरु परंपरा भाई, अरे मिटे गुरु परंपरा भाई, अरे गुरु सदगुरु मिटाए ज्ञान मेरो कहो न सुने भाई, जीव नहीं चेतेगा भाई, नहीं करे शब्द विश्वास जीव नहीं सतलोक जाई, जीव नहीं सतलोक जाई, नहीं करे शब्द विश्वास जीव नहीं सत लोक जाई, सदगुरु कबीर साहब ने यही निर्णय लिया। लोगों याद रहे मेरे नौजवान साथियों, मेरी मां और बहनों, आज सदगुरु कबीर साहब ने यही निश्चय कर लिया, कोई बात नहीं, किया कबीर विचार अगर नहीं गुरु बनाते हैं, और कोई भी नहीं सुने ज्ञान जो सत्य सुनाते हैं, मिटे गुरु परंपरा भाई, और गुरु सदगुरु मिटे ज्ञान मेरे कौन सुने भाई, जीव नहीं चेतेगा भाई, नहीं करे शब्द विश्वास जीव नहीं सत्य लोक जाए, जीव का उद्धार ही नहीं हो सकता है।
उस सद्ज्ञान को नहीं पहचान पाएगा। साहब ने कहा है कि कोई बात नहीं, ऐसा साहब निर्णय लिया है लोगों। सदगुरु कबीर विचार किया गुर रामानंद बनाऊं, सदगुरु कबीर विचार किया गुर रामानंद बनाऊं, और चली आ रही परंपरा को मैं भी खूब निभाऊं। प्रथम बनाऊं गुरु, बाद में स्वामी को चेताऊं, और सत्य सत्य लखा कर रामानंद को लोक पठाऊं। सत्य सत्य लखा कर रामानंद को लोक पठाऊं। धन धन सतगुरु सत्य कबीर गुरु की मेहमान न्यारी है, ओ मेरे साहेब सत्य कबीर गुरु की मेहमान न्यारी है। अब तो सदगुरु कबीर साहब ने विचार किया, सदगुरु कबीर विचार किया गुरु रामानंद बनाऊं, अब हम रामानंद स्वामी को गुरु बनाएंगे। उस समय की बात है लोगों, जिस समय सदगुरु कबीर साहब धराधाम पर प्रकट हुए थे, रामानंद स्वामी के 1484 चेला थे, 1484 चेला थे। उस समय की बात है सदगुरु कबीर साहब जब धराधाम पर प्रकट हुए, और यही सोचा कि ठीक है रामानंद स्वामी इतने आडंबर में भी डूबे हुए हैं, चलो इनको चेताना भी है। सदगुरु कबीर विचार किया गुरु रामानंद बनाऊं, और चली आ रही परंपरा को मैं भी खूब निभाऊं, हम भी इसे निभाएंगे। ऐसे दयाल पुरुष है साहेब, ऐसे दयाल पुरुष है। सदगुरु कबीर अब जाय रहे हैं धीरे धीरे, सदगुरु कबीर अब जाय रहे हैं धीरे धीरे, सदगुरु कबीर अब जाय रहे हैं धीरे धीरे, स्वामी के आश्रम जाय रहे हैं धीरे धीरे। अरे गुरु कबीर रहे हृदय बिचारी, अरु रामानंद कौ ले उबारी, गुरा दीक्षा ले न को जाय रहे हैं धीरे धीरे, स्वामी के आश्रम जाय रहे हैं धीरे धीरे। इतने में लोगों, आज स्वामी जी ने आश्रम के लिए सदगुरु कबीर साहब विचार करते हैं कि चलो चलते हैं, तो साहेब एकदम चल पड़े और बड़े ही मंगल में जा रहे हैं लोगों। सदगुरु कबीर रहे हृदय बिचारी और रामानंद को ले उबारी, गुरु दीक्षा लेने को जा रहे हैं, अब तो बड़े हर्ष और उल्लास के साथ साहेब चले हैं। और जैसे ही आश्रम पे पहुंचे महपाल दास साहेब, और जैसे ही आश्रम पे पहुंचे हैं लोगों, और आश्रम की शोभा बड़ी अजब निराली है, जिसकी शोभा अपार है। अरे कोयल कूं की रही बागन में, ओ, आ, कोयल कूं की रही बागन में, अर्जुन कोयल को की रही थी बागन में, आई रही मधु सुगंध पवन में, छूटत महक रही थी फूलन में, ओ मेरे साहेब सत कबीर के तुलसी दास जो तेरा तो है, ओ मेरे साहेब सत कबीर जो तुलसी दास जो तेरा तो है।
अरे तुमको तेरा तू है मेरा साहेब, तुमको तेरा तू है ओ मेरे साहेब, सत कबीर जो तुलसी दास जो तेरा तू है। इधर मेरे याद रहे नौजवान साथियों, मेरी माँ और बहनों, आज सदगुरु कबीर साहब स्वामी रामानंद के आश्रम पे पहुंच गए और जैसे ही आश्रम को देखा है लोगों, अरे संतों की महिमा बड़ी अपार है, बड़ी अपार है। सौभाग उदित जब होते हैं साधु जन द्वारे आते हैं और जो उनकी पूजा करते हैं वो महापुर कहलाते हैं, उनका सौभाग होता है। और याद रहे अरे संतन की संगत पाई हो तेना की सफल कमाई, अरे संतन की संगत पाई हो तेना की सफल कमाई। अरे संतन के संगतिया करी तुमरिया, संतन के संग किया करी तुमरिया, जा तो सब तीरथ कर आया हो ताकि सफल कमाई के भैया। अरे चारों धाम के दर्शन कीने, आज संतों के साथ में लोगों करवी तुमड़िया को लेकर के चले हैं, चारों धाम के दर्शन कराए और स्नान को कराया लोगों, चारों धाम के दर्शन कीने, चारों धाम के दर्शन कीने। अरे तहू न गई करो आई हो तेना किया सफल कमाई, अरे संतन किया संगत पाई हो तेना किया सफल कमाई, अरे संतन के संग किया फटी कमरिया। संतों की बड़ी महिमा अपार है लोगों। अरे संतन के संग किया फटी कमरिया, अरे रही आया अंगलिपा ताई हो तेना किया सफल कमाई रे भैया, रही अंगलिपा ताई हो सफल कमाई। अरे गुरु की सेवा संत की असंगत लोगों, सत्संग की महिमा बड़ी अपार होती है। अगर संतों का सत्संग कर लिया तो जीवन में खुशहाली ही खुशहाली और मंगल ही मंगल होगा। गुरु की सेवा संत की संगत, गुरु की सेवा संत की असंगत, और बनत बनत बने जाई हो ताकिया सफल कमाई रे भैया, बनत बनत बने। कबीर सुनो भाई संताओ,
मेरा सुनो भाई संतो, और आवागमन मिटाई हो ताकि सफल कमाई रे भैया, आवागमन मिटाई हो ताकि सफल कमाई। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।